नीट परीक्षा में घांगली पर चर्चा की मांग को अध्यक्ष द्वारा नजरअंदाज किए जाने के बाद विपक्ष ने लोकसभा से बहिर्गमन किया। सोमवार के सत्र में विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा की आवश्यकता जताई। स्पीकर ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस वॉकआउट का नेतृत्व राहुल गांधी ने किया, जिन्होंने नीट अनियमितियों का मुद्दा उठाया। गांधी ने कहा, हम नीट पर एक दिवसीय चर्चा चाहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। 2 करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। 70 मौकों पर पेपर लीक हुए हैं। यदि आप इस मुद्दे पर अलग से चर्चा की अनुमति देंगे तो हमें खुशी होगी। हालांकि स्पीकर ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उनके इनकार को उनके इस बयान से समझा जा सकता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के बाद अन्य मुद्दों पर बात हो सकती है। उन्होंने सदन के नियमों और प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए कहा कि रक्षा मंत्री चर्चा के खिलाफ थे। एक सांसद के रूप में मेरे दशकों लंबे कार्यकाल में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कभी भी कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया। धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के बाद अन्य मुद्दों पर बात हो सकती है। जब स्पीकर आगे बढ़े तो विपक्ष ने विरोध स्वरूप वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के कुछ मंत्रियों ने यह भी दावा किया कि उनके माइक बंद कर दिए गए थे, जिस पर ओम बिरला ने जवाब दिया कि माइक का नियंत्रण स्पीकर के पास नहीं है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि पिछले हफ्ते नीट पर चर्चा का प्रस्ताव उठाने के बाद उनका माइक बंद कर दिया गया था। संसद से देश को एक संदेश प्रसारित किया जाता है। हम छात्रों को संदेश देना चाहते हैं कि नीट का मुद्दा संसद के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यह संदेश देने के लिए हम चाहते हैं कि संसद इस पर चर्चा करे, राहुल गांधी ने कहा। गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने जोर देकर कहा कि सदन धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के बाद इस मुद्दे पर चर्चा करें और सरकार से विशिष्ट आश्वासन मांगा। गांधी ने कहा, हम संसद से छात्रों को संदेश भेज सकते हैं कि नीट का मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीट UGI का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा 5 मई को किया गया था, जिसमें लगभग 24 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे, लेकिन इसके बाद प्रश्न पत्र लीक और अन्य अनियमितियों के आरोप लगे गए। सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। क्या इस वॉकआउट के नतीजे से चर्चा हो पाएगी या फिर इसे भुला दिया जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए नव 24 न्यूज़ चैनल।